कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर जारी सियासी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर पार्टी और सहयोगी दलों के नेता बिफरे ना बिफरे मगर विपक्षी दलों के नेताओं का बरसना तय है, क्योंकि फैसला ही ऐसा है जिसने कुछ नेताओं की शक्ति घटा दी है। पहले जो नेता एनएसजी कमांडो का लंबा चौड़ा दल अपने साथ लेकर चलते थे, बड़े बड़े काफिले के साथ अपनी सियासत चमकाया करते थे, अब गृह मंत्रालय ने ऐसे ही कुछ नेताओं की शक्ति छीन ली है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव को केंद्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। लालू यादव के अलावा बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी की भी सुरक्षा में कमी की गई है, अब उन्हें भी केंद्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की सुरक्षा भी कम की गई है। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा को केंद्र की ओर से दी जा रही सुरक्षा वापस ले ली गई है। बीजेपी विधायक संगीत सोम की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान की सुरक्षा में भी कमी की गई है, उनकी सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है। वहीं अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा भी घटा दी गई है। वहीं इस लिस्ट में झारखंड में जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इन बड़े नेताओं की सुरक्षा कवर की समीक्षा की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वहीं इस लिस्ट में अब अखिलेश यादव जैसे कई और नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद सियासी पारा गरमाना तय है, क्योंकि पिछले साल जब राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाई गई थी तो उस वक्त सियासी संग्राम छिड़ गया था। ऐसे में क्या इस बार फिर सरकार खिड़ती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डेबी लाइफ की रिपोर्ट।